योग गुरु बाबा रामदेव के संदिग्ध में 108 कुंडी महायज्ञ हुआ संपन्न। अलवर जिले बहरोड में स्वामी रामदेव की अंतिम आहुति के साथ संपन्न हुआ गौशाला रिवाला धाम मंदिर मलपुरा में 108 कुंडी संकट मोचन महायज्ञ। स्वामी रामदेव के संदिग्ध में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सांसद सुवेदानंद, डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव सांसद गुना मध्य प्रदेश, केंद्रीय मंत्री शोभनाथ प्रकाश, अलवर सांसद महंत बालकनाथ फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री ने भी आयोजन स्थल पर पहुंचकर गायत्री मंत्रोच्चारण के साथ आहुति दी। महायज्ञ के समापन के बाद स्वामी बाबा रामदेव महंत बालकनाथ और धाम के महंत स्वामी गणेशानंद ने गुरुकुल की नींव रखी। धाम के महंत गणेशानंद स्वामी ने बताया कि गौशाला रिवाला धाम मंदिर मलपुरा कोटपुतली में 10 मार्च से 14 मार्च तक संकट मोचन महायज्ञ में 108 कुंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें 25 क्विंटल देसी गाय के घी से 11 लाख आहुति दी गई। इसमें देसी जड़ी बूटियों का भी प्रयोग किया गया। धाम के महंत स्वामी गणेशानंद ने बताया कि प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए हमारे प्राचीन ऋषियों ने ये परंपरा विकसित की है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी लिखा है कि सारी सृष्टि की उत्पन्न अन्न से होती है और अन्न बारिश से होता है एवं बारिश यज्ञ से होती है। यज्ञ का मतलब है हम अपनी नेक कमाई में से सर्व कल्याण के लिए कुछ दान देते हैं, वही यज्ञ होता है। बाबा रामदेव ने कहा कि स्वामी रामदेव ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि इस रिवाला तीर्थधाम में संस्कारों से जो महायज्ञ किया गया है इससे अन्य यह महातीर्थ बन जाएगा। तो मिली है तो लोगों को, पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऊपर कर लो रिवाला धाम, ऊपर कर लो थोड़ा पहले से ही दूर है। यहाँ योग से सब ने थारा 4x4 की जगह व्यक्ति ने निर्माण का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान। यहाँ स्वामी गणेशन जी महाराज जी एक युवा सन्यासी है, बड़े वैसे भी बलिष्ठ हैं, बलवान प्रज्ञावान संस्कारवान और बड़े विचारवान सेवा भावी सन्यासी है। तो मुझे विश्वास है अब ये रिवाला धाम तीर्थ जो था वो महातीर्थ। तो आप पूरे दिन यहाँ पर रहेंगे बाबा? हाँ भी, तो आज कल रात को आ गया था, शाम तक है आज, फिर इसके बाद मथुरा और फिर दिल्ली के हरिद्वार के लिए। स्वामी जी, राजस्थान में किसानों ने आंदोलन कर रखा है, ये काफ़ी दिन से चल रहा है। देखिए, आंदोलनों की एक अपनी भूमिका है और किसी भी बात का समाधान संवाद से, परस्पर सहयोग से, परस्पर विश्वास से निकलता है। तो मोदी सरकार ने यहाँ तक कह दिया कि भाई 2-3 साल के लिए इस कानून को निरस्त कर देते हैं, वो मिल बैठ करके और कुछ गिला शिकवा उनको भी ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बावजूद भी यदि दोनों तरफ से बात का समाधान नहीं निकलता है तो ये गतिरोध देश के लिए और किसानों के लिए भी ठीक नहीं है। तो मैं आश्वस्त हूँ जल्दी गतिरोध खत्म। स्वामी जी, कल जैसे प्रदूषण मुक्ति की बात कर रहे थे, अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में प्रदूषण मानते हैं क्या या उनकी मुक्ति किस तरह हो प्रदूषण? देखो, ये तो घर दूषण प्रदूषण ये तो सदा से थे, हैं और रहेंगे। बात इतनी है कि आधिपत्य सत्ता में, समाज में सत्य का होना चाहिए। तो शुद्धिकरण तो निरंतर की प्रक्रिया, अपने शरीर में भी शुद्धिकरण रोज चलता है। रोज हम शौच के लिए, लघु शंका के लिए जाते हैं तो इस जीवन चलता है। ऐसे ही सतत शुद्धिकरण की सब जगह आवश्यकता है और समाज जब समर्थ होता है तब ये कार्यक्रम चलता रहता है सहज। ठीक है, राष्ट्रवाद इस समय क्या मैसेज देना चाहिए? कि आज हमारे लोकसभा क्षेत्र में बाबा रामदेव जी आए हुए हैं, संत महात्मा पधारे हुए हैं, बहुत बड़ी गौशाला यहाँ पर श्रद्धालुओं के समर्थन से बनी है और अभी गुरुकुल भी यहाँ पर बन रहा है। तो क्षेत्र के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनको एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, भविष्य के लिए अच्छी उनको शिक्षा मिलेगी। और यहाँ पर एक जब संत महात्मा आते हैं तो एक ऊर्जा बनती है, सभी
श्रद्धालु सब जगह से आए हुए हैं, उनसे बात करने का एक अवसर मिलता है। आज सुबह उन्होंने योगाभ्यास करवाया सभी को, और अभी सत्संग होगा तो सत्संग में अच्छी बातें सुनने को मिलेगी, एक अच्छा इंसान बनने का तरीका और रास्ता हम सबको मिलेगा, और उसी से हम अपने राष्ट्र को मजबूत कर सकते हैं। सर, पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, तो उसको देखते हुए क्या कहना आपकी, क्या राय? अच्छा है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र का उत्सव होता है, ये उत्सव के रूप में बने और जनता को अपना अधिकार, मत डालने का अधिकार मिले।